हमारे महासचिव कवि कमल सिंह मालवीया जी, सभी को जय भी। आज हम लोग काशी राम की 50वां जन्मदिन पर उपस्थित है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विचार को, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने वाला जब कोई नेता था तो हमारे माननीय काशी राम साहब थे। आज जिस तरह से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए, दलितों के उत्थान के लिए जो काम किए हैं, उनके कारवा को काशीराम मान्यवर साहब ने आगे बढ़ाया और बहुजन समाज को एकजुट करने का प्रयास। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जिस तरह से पूरे देश में दलित पिछड़ों मुसलमानों की हत्याएं हो रही और उन पर अत्याचार हो रहा है, और उनका एक ही जो वजह है वो मनुवादी विचारधारा की जो सरकार जो यहाँ दिल्ली में पड़ी है, उसका 2019 के चुनाव में उखाड़ फेंकना है। अगर वो सरकार नहीं उखड़ी तो इतने जो लाखों की संख्या में जो हमारे यहाँ भीड़ उत्पन्न हुए हैं वो बेकार जाएगा। इस चलते हम लोग सभी भीम आर्मी के और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है वो काशी राम के जन्मदिन पर संकल्प ले कि उन मनुवादी और आरएसएस विचारधारा के लोगों को उखाड़ करके फेंकना है। जिस तरह से देश की सरकार सेनाओं पे राजनीति करती है, उनकी शहादत पे राजनीति करती है, और हम बता देना चाहते हैं ये देश हम बहुजन समाज के मूल निवासी लोगों का है, ये किसी के भाग का नहीं है। और जिस देश में हम दलितों की भी नहीं भागीदारी है और मुसलमानों की भी नहीं भागीदारी है, आप मुसलमानों को पाकिस्तान जाने के लिए कहते हैं, ये मूल निवासी और हम लोगों का भाई है, मुस्लिम भाई। तो इस चलते आप सभी लोगों को हम बिहार की तरफ से जय भीम, जय बाबा चौहरमल, जय काशीराम, जय। और मैं कुछ साथियों का नाम लेना चाहता हूं कि हमारे साथ रजनीश पासवान जी आए हुए हैं जो बिहार से चल करके आए हैं क्रांतिकारी साथी हैं। एक बार फिर से सभी को तहे दिल से शुक्रिया, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जिला बिजनौर से लोहित सावल यहाँ पहुंच चुके हैं।